अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेके इल्मे आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। तो आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 2 अगस्त 2021 और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 11:02। तो सबसे पहले अगर बिटकॉइन चार्ट से शुरू किया जाए तो बिटकॉइन 4 आवर चार्ट में इस वक्त जो है थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस शो कर रहा है और इस वक्त तकरीबन 39,600 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इसकी अगर बात की जाए सपोर्ट की तो सबसे पहले सपोर्ट इसकी 39,200 पे और उसके बाद 36,000 पे एक अच्छी सपोर्ट है बिटकॉइन की। और अगर बात की जाए इसकी रेजिस्टेंस की ये वाली 42,600 पे जो है तो ये काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर्स हैं इसके कम्पेयर टू बाइंग ऑर्डर्स। और अगर बात की जाए मिड में मार्केट क्रैश की तो उस 60,000 से वैल्यू जब वापस नीचे गिरी थी तो इसी पॉइंट पे इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी तकरीबन 20 मई को, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर से कस्टमर्स की तरफ से। तो अभी देखते हैं कि ऐसी क्या न्यूज़ है कि जिसकी वजह से यहाँ पे एक तो मार्केट जो है वो यहाँ पे इस 36,000 से 42,000 के दरमियान में है और ऐसी क्या रीजंस है जिससे ये लगता है कि मार्केट जो है अगले चंद हफ्तों के अंदर 42,000 की अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरामको की। तो सऊदी अरामको को हमें भी पता है कि जो कि ऑयल दुनिया में ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी और ओवरऑल कंपनीज में दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो लोग भी अब बिटकॉइन की माइनिंग को स्टार्ट करें। अब बिटकॉइन की माइनिंग को स्टार्ट वो किस तरह करेंगे, जैसे ऑयल की जो रिसोर्सेज है उनके पास, उन रिसोर्सेज के साथ साथ उनके पास गैस के भी बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। करना चाहते हैं कि वो लोग उस गैस के रिसोर्सेज से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी को वो लोग यूज करेंगे बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर। तो ये एक बहुत जबरदस्त न्यूज है क्रिप्टो करेंसी के लिए। उसके अलावा अगर बात की जाए दूसरी, तो इस वक्त चाइना की तरफ से एक न्यूज आ रही है कि चाइना क्या कर रहा है कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मतलब कि ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स जो कि चाइना की गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर, मतलब इलीगली तौर पे चाइना में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए चाइना की अपनी डिजिटल करेंसी की, तो चाइना ने ऑलरेडी जो है अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुकी है जो कि इस वक्त जो है तकरीबन 70.75 मिलियन ट्रांजेक्शन, टोटल जो ट्रांजेक्शन अब तक चाइना की क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो चुकी है वो 34.5 बिलियन युआन की ट्रांजेक्शन हो चुकी है, मतलब कि चाइना ने ऑलरेडी अपनी जो खुद की क्रिप्टो करेंसी है उसको लॉन्च कर दिया हुआ है जो कि बहुत जबरदस्त एक न्यूज है। उसके अलावा अगर बात की जाए किसी और की तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से एक अच्छी अनाउंसमेंट हुई है, उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक को इजाजत दी है कि वो लोग अपनी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको लॉन्च करें। उसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे कंट्रीज की तो ब्राजील की तरफ से एक न्यूज आ रही है कि ब्राजील अब क्या कर रहा है कि वो लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जाने लगे हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त न्यूज है ब्राजील की तरफ से। और अगर टोटल ओवरऑल अगर बात की जाए मुख्तलिफ कंट्रीज का सीबीटीसी की तरफ आना, मतलब कि अपनी डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाना और उसको लॉन्च करना, तो ये एक बहुत जबरदस्त न्यूज है उन लोगों के लिए जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो उनसे है वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है इसके अंदर के अब, क्योंकि कंट्रीज गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी को और इसकी तरफ से अब कोई टेंशन नहीं है हमें कि, वरना पहले ऐसे लगता था कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं उनको जो है वो जेल में डाल देंगी क्योंकि ये इलीगल था, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट्स एजेंसी है वो इसको ऑन कर रही है और इसको जो से अपनी जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनको लॉन्च कर रही है, तो ये क्रिप्टो के लिए बहुत जबरदस्त न्यूज है और ये मतलब कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है उन लोगों का जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखना बस ये है कि अब ये कंट्रीज जो सी है अपनी ब्लॉकचेन को ही बनाते हैं या डिफरेंट ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि अब यूक्रेन जो है वो स्टेलर ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है और इसी तरह मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज जो से हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ब्राजील ने भी जो है ऑलरेडी काम कर लिया हुआ है। तो ये एक बहुत जबरदस्त न्यूज है उन लोगों के लिए जो कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हैं। तो वो देखते हैं कि अब अगले आने वाले दिनों में के अंदर मैं भी आपको बताता रहूंगा कि कौन से कंट्री ने किस ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो अगर उसके अलावा अगर बात की जाए एनएफटीज की, तो एनएफटीज तरफ से भी एक बहुत जबरदस्त न्यूज आ रही है और वो ये है कि जो लेविनिया ओसबोर्न है जो कि वुमेन इन क्रिप्टो करेंसी की सीईओ है, उन्होंने कहा है कि
NFTs एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके जरिए खवातीन जो हैं वो अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ सकती हैं। अब NFTs के बारे में अगर अभी भी आपको नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जो है उसको ज़रूर देखें। या अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर सर्च करके देखें कि NFTs क्या चीज़ है। तो इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि NFTs का ताल्लुक आर्ट से है और मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको डिजिटलाइज कर सकते हैं, तो वुमेन का इसमें इसलिए ज्यादा फायदा है क्योंकि ऐसे तमाम खवातीन जो कि आर्ट्स में बहुत आगे हैं वो लोग मतलब कि कुछ भी ऐसा आर्ट बना के जिसको वो लोग पहले आर्ट बनाए और फिर उसको वो डिजिटलाइज करके जो है वो बेच सकती हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं NFTs के जरिए। तो NFTs के बारे में आप लोग जरूर जाने, जरूर उसके ऊपर रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करें। हमारे चैनल के ऊपर आपको उसकी बहुत ज्यादा वीडियोस मिलेंगी, उसके अलावा गूगल पे आप उसके ऊपर रिसर्च करें। और उसके बाद जब आपको एक बार आ जाए तो आप NFTs के ऊपर जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि ये वाकई में फ्यूचर में बहुत फायदेमंद होने वाली है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है खवातीन के लिए भी, ऐसी खवातीन के लिए जो कि बाहर जॉब्स नहीं करना चाहती और घर में बैठ के पैसे कमाना चाहती हैं, तो वो लोग जरूर देखें। एज एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई भी स्केच बनाया है, लेट्स से कायदे आजम का आपने स्केच बनाया है, तो आप उसको डिजिटलाइज करें बाद में और फिर आप उसको बेच सकती हैं। तो ये बहुत एक जबरदस्त जरिया है पैसे कमाने का NFTs के जरिए। इसके अलावा अगर दोबारा बात की जाए बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का एक कंपैरिजन किया गया है गोल्ड के साथ और प्रॉपर्टीज के साथ कि ऐसा अगर आप इन्वेस्ट करें बिटकॉइन के अंदर तो 10 सालों के अंदर आपने आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो एज कम्पेयर टू बिटकॉइन बाकी सबका तो प्रॉफिट बहुत रहा है और बिटकॉइन का प्रॉफिट इस वक्त 412,379% है 10 सालों के अंदर। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट है और लोग इस अब बिटकॉइन को एज एन एसेट यूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त न्यूज है। देखा जाए कि बिटकॉइन सिर्फ जो है 12 साल पहले बिटकॉइन जो है वो आया था मार्केट के अंदर और 12 साल में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस बिटकॉइन दे रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड और प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज बुलेटिन अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।